माशाल्लाह एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये एक समझे के फैक्ट्री है इसमें ये जो जब जो बंदा स्ट्रॉबेरी लगाता है इससे एक नहीं इससे एक सौ खानदान पलता है शुरू शुरू में हमें ये मामला पेश आता था कि जो हम पौधा खरीदते थे उसमें एक होता एक जड़ी बूटी टाइप वो पौधा दे देते दे थे उस वक्त मैंने डेढ़ देड़, डेढ़ देड़ एकड़ लगाई थी उसमें तकरीबन सताईस लाख वो, वो उसकी इनकम थी जिसमें साढ़े तेरह लाख मेरा खर्चा था इसका खर्चा भी बहुत है लेकिन इसका प्रॉफिट भी बहुत है जितना खर्चा करेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा वो कहते हैं ये पचास है लेकिन वो होते तीस थे दो तो साल से एक नया प्रॉब्लम है बैक्टीरियल वायरस है जिससे पौधा इधर शिफ्टिंग के दौरान बिल्कुल डेड हो जाता है जो पौधा बेचने वाले हैं उन्हें इस डिजीज का इस बीमारी का सब कुछ पता होता है वो जानबूझ के फ्रॉड करते हैं इसका पहला सबसे जो हमें जो जिम्मेदार को इससे डिसहार्ड करता है स्टाफी से वो बस यही बात है कि पौधा अच्छा होना चाहिए असला दोस्तों कैसे है उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे मजे से जिंदगी गुजारे होंगे मैं हूँ आपका दोस्त दोस्तान और आप देख रहे हैं फार्मिंग चीफ आज स्पेशल वीडियो किसान दोस्तों के लिए है उन दोस्तों के लिए जो फसलों से कमाई करना चाहते हैं हमारे साथ एक भाई मौजूद है मियाँ तनसीर साहब तो इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं ये फसलों में से कैसे पैसा कमाते हैं तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं असल जी जनाब कैसे अलहमदल आप सुनाए ठीक है अल्लाह का बड़ा करम सबसे पहले तो हमारे को अपना तारक और जी मेरा नाम तनसीर अहमद है डस्का सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ इधर डस्का साथ गाँव है छांगा उधर मैं फार्मिंग करता हूँ बाउजदा से हमारा यही काम है अच्छा मियाँ तनशीर साहब सबसे पहले तो ये कि किस किस फार्मिंग पे आप काम कर चुके हैं जिंदगी में मैं ककम्बर, खीरे के टंडल फार्मिंग कर चुका हूँ तरबूज खरबूजा यहाँ तक कि हमारा इलाका वैसे कपास वाला नहीं हमने इधर कपास भी काश्त की थी तो बाकी भी सारी सब्जियाँ ए टू जेड करेला कद्दू मियाँ तो ही सब्जियों से सबजियों में बिल्कुल हम खानदानी हमारा दस्का में इसी मामले में फेमस है चलिए माशा पाक आपको मजीद तरक्याँ दे अच्छा मियाँ साहब अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये जो फसल हमारे पीछे नज़र आ रही है ये कौन सी फसल है कितने रकमे में आपने लगाई हुई है ये जी माशा ये स्ट्रॉबरी का खेत है ये तकरीबन हमने दो एकड़ में लगाई हुई है तो माशा कि अगर एक एकड़ स्ट्राबरी को बंदा लगाना चाहे तो ज़मीन की तैयारी वो किस तरह से की जाती है क्या क्या मराहल है, कि जिन है में से ज़मीन को गुजारना पड़ गुज़रना पड़ता है जी मेरा स्ट्रॉबेरी में तकरीबन आठ दस साल से तजर्बा है इसके लिए ज़मीन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए जिस तरह आलू के खेत तैयार करते हैं उससे भी ज़्यादा तैयारी के तैयार करना चाहिए इस खेत को तो उसमें फिर तैयार के बाद इसको तकरीबन हम एक एकड़ को दो बोरी डीए पी एक बोरी एम ओ पोटाश और कुछ साथ मैसर सा टाइप चीज़ें देते हैं ठीक है नाम जाती खाद उन्हें बोलते हैं वो देते हैं तो उसके साथ इसके फिर फिर हम ये लाइने सी बनाते हैं जिन्हें खेलें कहते हैं बेड जिसे कहते हैं जिसे बेड कहते हैं हाँ जी तो ये एक बहुत पसंद अच्छी तैयारी होगी तो फिर ये अच्छा बेड बनेगा अगर अच्छी तैयारी नहीं होगी तो फिर ये अच्छा बेड नहीं अच्छा ये बेड के ऊपर शापर भी मुझे नजर आ रहा है इस शापर का क्या मकसद है ये शापर वैसे तो जड़ी बूटियों के लिए लोग डालते हैं इसे ब्लैक मल्च कहते हैं इससे जड़ी बूटियों का कंट्रोल अच्छा होता है लेकिन जब मैंने फार्मिंग शुरू की थी उस वक्त लोग स्ट्रॉबेरी आम खेल पे काश्त करते थे आलू वाली पे तो उस वक्त शापर नहीं थे डालते तो मैंने जब पहले साल ही काश्त की मैंने किया अगर काश्त करनी है तो हम शापर डाल के काश्त करेंगे फिर दूसरे ने भी सारा सारा मशवरा किया तो मैंने जब माशाल्लाह पहले साल काश्त की शापर से ये जड़ी बूटियाँ तो कंट्रोल हुई हुई लेकिन इसका असल फ़ायदा इसकी फ्रूट की शाइनिंग चमक और उसका यह मिट्टी से ए, मसाना बचत मिट्टी से बिल्कुल साफ़ सुथरा था तो इतना अच्छा था कि जब पहली दफ़ा मार्केट में यह छापर वाला मल, मल्चिंग वाला स्ट्रॉबेरी किया लोग देख के हैरान होते हैं कि ये आर्टिफिशियल है या औरिजिनल है माशाल्लाह अच्छा ये बताएं कि एक एकड़ के अंदर पनीरी कितनी लगती है इसका बीज लगता है पनीरी लगती है अगर पनीरी लगती है तो कितनी लगती है ये जी इसका पौधा होता है उसे पनीरी लगती है वो हम स्वाद और दीर्घ इलाके से ख़रीदते हैं तो मुख्तों में ये पर एकड़ पौधे की तादाद मुख्तलिफ़ है हमारे इलाके में जो एवरेज है वैसे भी पूरे पाकिस्तान में अगर एवरेज बोलेंगे वो तकरीबन पचास हजार समझते है कि एक एकड़ में लगती है लेकिन हमारे इलाके में ये पचास हजार ही लगती है पैंतालीस से पचास हजार कुछ इलाकों में ये लोग पौधा एक लाख भी एक एकड़ में लगाते हैं लेकिन वो भी एंड पे बचता पचास हजार ही है ठीक है तो कैपेसिटी एक एकड़ में पचास हजार पौधा है बिल्कुल इनशाला ना पचास हजार पौधा लगता है एक एकड़ में ना अच्छा मियाँ तनशीर साहब ये बता दें कि किस मौसम में लगाना मौजू है या मुख्तलिफ़ मौसमों में लग सकती है कब कब ये पनीरी लगाई जा सकती है ये पाकिस्तान में तकरीबन अक्टूबर में इसे लगाते हैं लोग अक्टूबर से पंद्रह नवंबर तक लेकिन हमारे इलाके में जो सबसे बेहतरीन मौसम है जिसकी मैक्सिमम पैदावार निकलती है वो बीस अक्टूबर से ले कर तीन चार नवंबर तक बेह पैदावार के लिए साजगार माहौल है मौसम ये बता दें कि कितने देर तक इसकी फसल जो है पहली जो पिकिंग आप है। पिकिंग वो शुरू हो जाती है ये मौसम पे इसका बहुत डिपेंड है अगर पौधा अच्छा मिल जाए मौसम अच्छा सा दे ये तकरीबन हम जो जो पौधा हम 20 अक्टूबर से लेके याकम नवम्बर तक लगाते हैं वो नवंबर दिसंबर दिसंबर के मिड में भी यानी दो माह बाद भी वो पिकिंग देने लग जाता है अगर मौसम साजगार हो और पौधा अच्छा हो अच्छी। उसकी अच्छी ग्रोथ हो अच्छी निगरानी की जाए तो वैसे ये, ये 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 चांस की बात है ये बस चांस की बात है ओवरऑल जो हम इसका एवरेज बताएंगे वो पंद्रह फरवरी के बाद इसकी पिकिंग अच्छी शुरू होती है चलिए बेहतर हो गया अच्छा ये बता दें कि स्ट्रॉबेरी के अंदर ख़दशात कैसे हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कौन कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए क्या किस तरह बचा बंदा इनसे बच सकता है शुरू शुरू में तो इसके खद खदशात ऐसे नहीं थे शुरू शुरू में हमें यह मामला पेश आता था कि जो हम पौधा ख़रीदते थे उसमें एको एक जड़ी बूटी टाइप वो पौधा दे देते दे थे तो बस वो मसला था उसके बाद हमें एक नया मसला आया जिसमें वो हमें शुमार में इसकी काउंटिंग में ना पौधे में वो कहते ये पचास हैं लेकिन वो होते तीस थे ठीक है लेकिन वो भी फिर आस्ता उन्होंने मसाला कंट्रोल हो गया लेकिन इस दफ़ा ये दो साल से एक नया प्रॉब्लम है कि पौधे में एक वायरस है बैक्टीरियल वायरस है जिससे पौधा इधर शिफ्टिंग के दौरान बिल्कुल डेड हो जाता है वो हमारा असल में जिम्मेदारों को उससे बहुत प्रॉब्लम है तो वो लेकिन जो पौधा बेचने वाले हैं उन्हें इस डिज़ीज़ का इस बीमारी का सब कुछ पता होता है वो जानबूझ के हमारे साथ ऐसा फ्रॉड करते हैं ठीक है वो इलाके की बात होती है उधर का जान के शुमार में वो डाल देते हैं ये इसका पहला सबसे जो हमें जो जिमीदार को इससे करता है से, वो बस यही बात है कि पौधा अच्छा होना चाहिए पे आप खरीदते हैं वहां से कुछ गड़बड़ी गड़बड़ ना हो पौधा अच्छा हो बाकी माशाला ये बहुत अच्छी फसल है बहुत प्रॉफिटेबल है बिछरते पौधा अच्छा हो और ये बताएं कि जब आप ले आए पौधा आपने यहाँ पे लगा भी लिया उसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसे आ, मौसम की शिद्दत या कोई ऐसी गड़बड़ी है जिससे फल जो है वो इसका ख़राब हो सके या फल पौधा ना दे सके कुछ ऐसे मामलत हैं जब हमने पौधा इधर लगा लिया जो खराब पौधा जो मैंने पहले भी बात की है वो अगर ख़राब पौधा आ जाएगा अगर चल भी जाएगा ना तो सबसे ज़्यादा लाश उसी का है ये है एक बात जो फिर उसके बाद है फिर मौसमी असरा जैसे मैंने पहले भी बताया है ये इसका सारा डिपेंड इस पौधे का मौसम पे है इसके मौसम में जब फ्रूट तैयार हो जाता है उस दौरान अगर नमी मॉइस्चर ज़्यादा होगा या बारिशी मौसम होगा तो उसके उस दौरान इससे इसके फ्रूट को भी वो एक फंगस आ जाता है ठीक है फूंदी का श, वो उसे ग्रे मोल्ड कहते हैं उससे वो सारा जाया हो जाता है अच्छा इसके एहतियात तो फिर ये हुई कि आप इसकी जो खेले बनाते हैं उनको जितना ऊंचा ज्यादा हो सके बंदा बनाए वो बेहतर नहीं है बिल्कुल जितना ज्यादा वो खेल ऊंची होगी वो उसके बहुत फायदे हैं पीकिंग से ले मौसमी असरा से बचाने के पिकिंग के उसके बहुत फायदे जितने इसलिए ना ये हमने स्पेशल का हाल बनाई हुई है हमारे इधर दोस्त हैं उन्होंने ये स्पेशल तैयार करवाई हुई है ये तकरीबन इस तरह की खेल पूरे पंजाब में नहीं मिलेगी जिस मैंने बाकी भी इलाकों में देखा है वहाँ पे तक वह बेड बनाते हैं तीन फिट का ढाई फिट का और साइडों पर लगाते हैं और दरमियान में लगाते हैं साइडों से आपने सेम एज इट इसी तरह बनाया है, जिस तरह आलू की खेलें होती हैं ठीक है, है? ये बट ये हमारा दोस्त है उसने ये स्पेशली खुद तैयार करवाया है इसका ये है कि हमारे इलाके में डस्का में ज़िला सियालकोट में ये मॉइस्चर का ज़्यादा मसला इधर नमी ज़्यादा होती है थोड़ी सी भी बारिश हो जाए बारिशें ज़्यादा होती हैं इसके ऊपर जैसे ही पानी ठहरता है सारा फ्रूट ज़ाया हो जाता है या पौधा भी डिस्टर्ब हो जाता है जो मैक्सिमम हम जितनी भी वीडियोज़ देखते हैं या कोई भी नॉलेज लेते हैं ऑन ये नेट के जरिए से उसमें वाकई बेड होते हैं अढ़ाई तीन फुट का बेड होता है वो उन इलाकों में कामयाब है जहाँ मॉइस्चर कम होता है जहां नमी कम होती है हमारे इलाके में नमी बारिशों का सिलसिला ज्यादा होता है इसलिए ये हम इस तरह का बेड ये तो ये मेरे दोस्त की बड़ी अच्छी मेहनत है जिसने इस तरह का बेड हमें दियार साहब एक और चीज जानना चाहूँगा एक नमी होती है जमीन के अंदर एक होती है पौधे को नमी मिलना अभी जो आपने शापर लगाया ये तो जमीन के अंदर नमी ज्यादा करता होगा आ पौधे को नमी से खतरा है या जड़ों को नमी से खतरा है ये जरा क्लियर कर ये शापर से वाकई नमी मट्टी में ज्यादा होती है और इसका वाकई पौधे को खतरा है तो शापर से भी ज्यादा खतरा है जो मिट्टी में नमी है उसका भी खतरा होता है जो ऊपर नमी होती है उसका भी खतरा होता है लेकिन अगर पौधा सेहतमंद होगा तो फिर नीचे वाले नमी का कोई खतरा नहीं है फिर ऊपर वाली जो होती है उसका ही बस खतरा है चले माशाल्लाह ये तो बेहतर हो गया इसके अलावा कुछ खास पैगाम अगर कोई बंदा स्ट्रॉबेरी का काम करना चाहे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहे कोई ऐसी आखिरी बात जो मैं आपसे ना पूछ सका हूँ वो दोस्तों जरूर शेयर करें जी ये माशाल्लाह एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये एक समझे के फैक्ट्री है इसमें ये जो जब जो बंदा स्ट्रॉबेरी लगाता है इससे एक नहीं इससे एक सौ ख़ानदान पलता है माशा ये बताएं कि एक एकड़ तैयारी हो गई माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन मामला हो गए ख़र्चा कितना आता है आपने बताया कि पचास हज़ार पौधा ले आए आपने वो लगाया खादे हुई सारा कुछ कुछ एस्टिमेट बता सकते हैं कि एक एकड़ एक के ऊपर खर्चा कितना आएगा ये तो जिस तरह पूरी दुनिया में बस महंगाई का एक लहर सी चली है कोरोना के बाद उसके बाद तो हम पहले सालों की नस्बत तकरीबन तीन गुना ज़्यादा ख़र्चे में चले गई हैं वैसे एवरेज एवरेज बेस में बता सकता हूँ तकरीबन अगर दो रुपये का पौधा हो एक लाख का पौधा बन जाता है ठीक है इस तरह ज़मीन की तैयारी पे तकरीबन पर एकड़ तीस पैंतीस हज़ार पर एकड़ ज़मीन की तैयारी पे ख़र्चा है खाद का खर्चा तकरीबन बेसिक जो ज़मीन पे हम खाद देते हैं वो भी तकरीबन चालीस हज़ार वो खाद का खर्चा जो ज़मीन पे देते देते हैं इस तरह जब तक ये तैयारी के मराहल में गुजरता है ना जब तक फ्रूट की पिकिंग आने लगती है उस वक्त तक इसका अढ़ाई से तीन लाख खर्चा है एक एकड़ एक मैक्सिमम हम लोग ढाई लाख भी कह लें अढ़ाई अढ़ाई से तीन लाख तक उस वक़्त खर्चा है उसके बाद इसके खर्चे जो हैं खादों के बाकी मामला के पिकिंग के वो बहुत फास्ट हैं लेकिन उनमें इसलिए हमें जिम्मेदार का महसूस नहीं होता कि उसमें हमें उस वक्त पिकिंग आ रही होती है हमें उससे अर्निंग आ रही होती है उससे हमें मुसू... फिर ये खर्चे तो महसूस... नहीं होता अच्छा ये बताएं कि चले ये खर्चे हो गए अब आ जाते हैं कमाई अब जारी बात है मेहनत की लगा लिया सारा कुछ अब कुछ हासिल भी होना चाहिए तो एक एकड़ कितनी देर कितना फल देता है और क्या उसमें से कमाई होती है क्या रेट्स निकलते हैं किस तरह सारे मामला तो ये थोड़ा सा क्लियर करें हमारे इलाके में तकरीबन ये पंद्रह फरवरी से ले कर पंद्रह मई तक अगर टेम्परेचर चालीस से ऊपर अठत्तीस चालीस के ऊपर ना जाए तो ये पंद्रह मई तक माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रूट देती है ठीक है इसकी जो एवरेज है इस साल तो मैं नहीं लेकिन तीन चार साल पहले का मैं बता सकता हूँ उस वक्त मैंने डेढ़ डेढ़ एकड़ लगाई थी उसमें तकरीबन सताईस लाख वो, वो उसकी इनकम थी जिसमें साढ़े तेरह लाख मेरा खर्चा था इसका खर्चा भी बहुत है लेकिन इसका प्रॉफिट भी बहुत है जि, जितना खर्चा करेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया सर बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के अल्लाह आपको अपने में रखे मज़ीद तरक्या दे फी